बोलो बोलो भारत माता की जय, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। आज इस मंच पर मां भवानी का नाम लिया तो मेरी कर्म भूमि से आवाज उठी राम लल्ला के चरणों में समर्पित, जय श्री राम की। इसलिए आज इस युवा महासम्मेलन में एक एक राम भक्त से मेरा आग्रह है कि पूरी श्रद्धा के साथ बोले, सियावर रामचंद्र की। ये वो मंच है जिस पर जोश भी है होश भी है। ये वो मंच है जो कामदार की मेहनत को सुसज्जित करता है। आज इस मंच की शोभा बढ़ाते वो व्यक्ति जिन्होंने महाराष्ट्र की इस पुण्य धरा पर मुझे संगठन में सेवा करने का अवसर दिया, राजनीति में राष्ट्र नीति को प्रमुखता देने की सीख दी, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, विकास के प्रणेता आदरणीय नितिन जी को सर्वप्रथम इस मंच पर मैं प्रणाम करती हूं। इस मंच पर आज मेरा सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति के साथ युवा मोर्चा में संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र के एक एक जिले, एक एक गांव तक काम करने का मौका मिला, उनके योगदान से, उनके सानिध्य में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को नए स्वरूप में महाराष्ट्र में परिभाषित कर रही है। ऐसे पूर्व में युवा मोर्चा में मेरे साथी रहे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का भी इस मंच पर मैं अभिनंदन करती हूं। वर्षों से संगठन में गांव से लेकर शहर, शहरों से लेकर प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र की संगठन शक्ति का परिचय देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी का भी मैं आज इस युवा महासम्मेलन की सफलता के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दायित्व पर अध्यक्ष के रूप में समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं। ऐसे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूं। वैसे ये पहली बार होगा कि सार्वजनिक मंच पर मैंने किसी राहुल नामक व्यक्ति को शाबाशी दी होगी, लेकिन आज जब जयवेंद्र जी भारत का विकास का नक्शा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे तो मन में जो भावना उठी, नितिन जी आपकी अनुमति से उस भावना को आज शब्दों में व्यक्त करती हूं। मैंने विदर्भ की इस धरती को तब देखा जब कांग्रेस का राज था, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था, किसान की बहू बेटियां अपने जेवर बेचकर परिवार का पेट पालती थी,
किसान परिवार के नौजवान अपने भविष्य की चिंता में दिन रात व्याकुल रहते थे। नितिन जी, मैं आज स्मरण करती हूं, तब आप प्रदेश में अध्यक्ष थे, आपने तब संगठन के माध्यम से सेवा को परिभाषित करते हुए अन्नदाता सुखी भव का एक एक कार्यकर्ता को लक्ष्य दिया था कि कार्यकर्ता अपने घर से अपने साधनों से एक एक किसान परिवार का संरक्षण करे। आज उसी पुण्य धरा पर लौटकर मैं इस बात का गौरव कर सकती हूं कि जब आप सबके सहयोग से, किसान के आशीर्वाद से, जनता के योगदान से देश को नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्र सेवक के रूप में मिले, तब आज वही किसान साल में 6,000 रुपया सीधा अपने बैंक के खाते में पाता है। लहलहाती फसल में वो उगाकर अपने भविष्य को सुनहरा करता है। ये योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। आज तेजस्वी सूर्या ने अपने उद्बोधन में 2014 से पहले की सरकार का उल्लेख किया। तेजस्वी, इस मंच पर इतिहास के एक साक्षी बैठे हैं नितिन जी, जिन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देखा और मोदी सरकार, दोनों में अपनी सेवाएं दी। इतिहास के साक्षी के सामने मैं कहना चाहती हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, तब सोनिया गांधी की सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की सरकार ने सुदृढ़ और सशक्त अर्थव्यवस्था को चलाकर राष्ट्र को समर्पित किया। मैं आज यहां जितने नौजवान बैठे हैं उनसे कहना चाहती हूं कि इतिहास के ये उत्तम साक्षी नितिन जी इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क बनाई, वो मोदी सरकार में अब हाईवे बनाते हैं। आज इतिहास के इसी साक्षी के सामने मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूं कि 10 साल का वो अंतराल जब सोनिया गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे बैंकों में क्राइसिस इतना था कि पैसा था गरीब का, पैसा था मध्यम वर्गीय परिवार का, फोन जाता था सोनिया जी का और अमीरों को मिलता था, बैंक के बैंक डूबने के एक करार में थे। आज जब हम ये स्वर्णिम 10 वर्ष नरेंद्र मोदी के याद करते हैं, तो इस नौजवान पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूं, जुलाई का वो महीना साल 2012 जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे, अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर में थी। आज इस युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहती हूं साल 2012 का वो मंजर जब हमारे देश के सेना के पास कॉम्बैट रेडी इक्विपमेंट है या नहीं, एम्यूनेशन है या नहीं, यही चिंता का पूरे राष्ट्र के सम्मुख विषय बन चुका था। आज इस युवा पीढ़ी से कहना चाहती हूं कि 10 साल नरेंद्र मोदी के ये वो समय है जब हमने अंधेरों से भारत को उभार कर विकास के उजियारे तक पहुंचाया है। वापस अंधेरे ना मिले हमारे देश को, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो क्या अंधेरा है जिससे भारत को उभारा? देवेंद्र भाई ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व ने स्वीकार किया कि 90 पैसे प्रति रुपया कांग्रेस के भ्रष्ट नेता खा जाते हैं। इसलिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाते हमने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, तब राष्ट्र से नरेंद्र मोदी ने एक ही वादा किया था
कि देश के खजाने से रुपया निकलेगा तो एक का एक वो पूरा रुपया देश के गरीब के पास पहुंचेगा। मुझे आज भी याद है, नरेंद्र भाई ने तब कहा हम हर गरीब का बैंक का खाता खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उपहास उड़ाते हुए कहा गरीब की जेब में पैसा नहीं, बैंक का खाता कैसे खुलेगा। तब मोदी ने कहा ये मोदी की गारंटी है, मैंने कहा गरीब का बैंक का खाता खुलेगा तो बैंक का खाता खुलेगा। और मोदी की गारंटी रंग लाई। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 50 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुला। नरेंद्र मोदी ने एक और गारंटी दी, कहा कि अगर हम राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं तो राष्ट्र की हर एक महिला को सम्मान देना होगा। वो महिला जो अपने दिन की शुरुआत अपमान से करती है, हर गरीब महिला के घर में एक शौचालय बनाना होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा शौचालय बनाने से राजनीति नहीं होती। और जो 70 साल में हुआ, जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ना कर पाई वो मोदी क्या कर पाएगा। मोदी ने कहा कि हर गरीब महिला के लिए शौचालय बनाया जाएगा। मोदी ने गारंटी दी और 11 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को अपने घर में पहली बार शौचालय मिला। नितिन जी को याद है, देवेंद्र भाई को याद है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सरकार अपनी सत्ता में रहने का उत्सव बनाता था और एक एक मंत्री के पास 7,000 रुपये का भोजन का एक पूरा पैकेज जाता था। एक तरफ नितिन जी जैसा नेतृत्व जो गरीब किसान के लिए अन्नदाता सुखी भवन नाम का कार्यक्रम चलाता और दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व जो सत्ता में जनता को लूटने का उत्सव मनाता, 7,000 रुपये की डाइनिंग की थाली खाता। और आज मुझे इस बात का गौरव है कि गरीब को प्राथमिकता देते हुए 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र मोदी पिछले 2.5 साल से मुफ्त का अनाज भेज रहे हैं। जब उन्होंने संकल्प लिया था तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था संभव नहीं है, हमने कहा था कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मोदी की गारंटी रंग लाई और 2.5 साल तो मिला ही, आने वाला 5 साल भी 80 करोड़ नागरिक को मुफ्त अनाज देने वाली एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। नितिन जी को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं, इसलिए मैं 2-3 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज नितिन जी, देवेंद्र जी इस बात के भी साक्षी हैं। इस मंच पर बैठे कई ऐसे कार्यकर्ता मित्र, विधायक, सांसद ये अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 अहम मुद्दे अपनी मैनिफेस्टो में रखे। एक, कि पूर्ण बहुमत मिलने के बाद धारा 370 हटाई जाएगी। मुझे आज भी याद है जब हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला तो कुछ नेता जो कांग्रेस के गठबंधन के नेता थे उन्होंने मोदी को चेतावनी दी कि अगर धारा 370 हटाने की कोशिश की तो खून की नदियां बह जाएंगी। मोदी डरने वालों में से नहीं, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जो 70 साल में ना हुआ वो मोदी ने कर दिखाया। धारा 370 हटाया गया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी राष्ट्र एक संविधान के सानिध्य में जुड़ा। जो धमकाते थे और कहते थे खून की नदियां बहेंगी, उनसे आज कहना चाहती हूं कि एक कतरा भी खून का नहीं बहा, क्योंकि मोदी है तो धारा 370 हटाना मुमकिन है। आज कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में ये जनता को आश्वस्त किया था कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम महिलाओं के लिए देश के संसद में 33% आरक्षण का बिल पारित करेंगे, नया संसद का भवन बना
और जैसे लक्ष्मी का पूजन होता है वैसे संविधानिक तौर पे लक्ष्मी स्वरूपा हर महिला का पूजन हुआ और 33% आरक्षण का बिल पारित हुआ। मुझे आज भी याद है, मैं और देवेंद्र जी विधानसभा के कई चुनावों में नागपुर में ग्रामीण अंचलों में जब प्रचार के लिए जाते, बावन खुले साहब आपके इलाके में भी जब आते तो सामने से कांग्रेस पार्टी के नेता हम पर कटाक्ष करते, जब हम बार बार हर गांव हर गली में कहते मंदिर वही बनाएंगे, वो कहते तारीख नहीं बताएंगे। हमने 500 साल अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, पूर्ण सत्ता होने के बावजूद एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध रहा कि हम संविधान की एक भी धारा का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमने अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से रामलल्ला को एक भव्य मंदिर में विराजमान करवाने के लिए आदेश पाया। उनकी हिमाकत देखिए, जब वो सत्ता में थे तो उनका घमंड ऐसा कि उन्होंने भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं ऐसा एफिडेविट देश की एक कोर्ट में दे दिया। उनका घमंड देखिए कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने दस्तावेज दे दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं। अहंकार आज भी बरकरार है। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इसलिए आज आप सबसे कहती हूं कि हर राम भक्त ने जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से डीप फेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे, आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। और अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को यह मौका मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले तब एक प्रश्न अपनी दीदी की ओर से जरूर पूछना कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, भारत की सेना के शौर्य को धिक्कार कर राहुल गांधी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमाण मांगा उनके पराक्रम का। मैं उस महाराष्ट्र में काम कर चुकी हूं जहां पर 26/11 का आतंक हम सब ने अपनी आंखों से देखा। हम सबको याद है पाकिस्तान से आतंकवादी आए, मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया और दिल्ली में बैठी सोनिया मैडम की सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। हम सब महाराष्ट्र में इस बात के साक्षी हैं। नितिन जी को याद होगा, गृह मंत्री को उस वक्त कांग्रेस की सरकार में कपड़े बदलने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और यहां पर जनता त्राहिमाम कर रही थी कि किसी को तो भेजो ताकि हमारी रक्षा हो सके। और उस शाम जब मुंबई लहूलुहान हो रही थी तब मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस के युवराज किसी जश्न में शामिल थे। वो व्यक्ति जो मुंबई जब लहूलुहान हो रही थी जश्न में शामिल थे, वो भारत की सेना से उनके पराक्रम का तब प्रमाण मानते हैं
जब भारत की वायुसेना पाकिस्तान में आसमान चीरते हुए आतंकवादी कैंप्स को ढेर करती है। आज चाहती हूं उनसे पूछा जाए कि क्या यह संभव था जब कांग्रेस की सत्ता थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत की सरहद पर पाकिस्तान हाथ जोड़ते हुए वापस छोड़कर जाए। अरे 56 इंच की छाती वाला है जिसने 56 घंटे में विंग कमांडर अभिनंदन को भेजा। इसलिए आज नितिन जी के समक्ष जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे याद है कि सोनिया गांधी की सरकार के खिलाफ जितने मोर्चे हुए, जितने लोगों ने बलिदान दिए, राजबाला को नहीं भूलूंगी जो रामलीला मैदान में मौत के घाट उतारी गई क्योंकि उसने सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मुझे याद है तब एक भाषण में नितिन जी ने अटल जी को याद करके कहा था, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उस प्रेरणा के साथ 2014 में हमने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने यह कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसलिए हर युवा को बाहर आना है। आज मोदी का संदेश देती हूं तुम्हें जो अटल जी की पंक्तियों में दोहराए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, विकास के एक नए स्वर, एक नए गीत, एक नए गुंजन के साथ युवा शक्ति आगे बढ़े। आज युवा सम्मेलन को महाराष्ट्र की पूरी टीम को अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।